भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कलह अब और ज़्यादा विस्फोटक मुद्रा में आ गया है। आपको बता दें कि इस विस्फोट में ऐसी बहुत सारी भीतरिया बात जो है वो अब बाहर आने लगी है। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह यानू ने जिस तरह से अपनी बातें रखी थी, उन्होंने साफ तरीके से समझौता और कहा जाए तो जगाने के मूड में पार्टी को और ज़्यादा मजबूत होने की बात कही थी और संगठन पर पकड़ मजबूत करने की का सुझाव दिया था, लेकिन ये बात अलग दिशा में घूम गई और कहीं ना कहीं ज्ञानू के इस पूरे बयान को लेकर के मामला उलझता नजर आया। हमने खबरों में आपको बताया था कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान के बाद से जदयू ने भी रिएक्ट कर दिया। हालांकि जदयू के रिएक्शन पर, जदयू के जिस तरह से संजय सिंह ने रिएक्ट किया, उसके बाद से उन्हीं की पार्टी के जदयू के ही प्रवक्ता ने संजय सिंह के बयान को गैर जरूरी बताते हुए मामले को दबाने का कोशिश किया कि ये मामला जदयू भाजपा बनाम भाजपा न हो जाए। लेकिन इन सब बातों को लेकर के नवल किशोर यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के MLC और प्रवक्ता भी पार्टी के हैं, उनके बयान के बाद से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू एक बार फिर से अपनी चुप्पी तोड़े हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने चुप्पी तोड़ते हुए नवल किशोर यादव के संदर्भ में कहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की कोई वैल्यू नहीं है। शायद संजय सिंह भी इसी पर रिएक्ट किए थे, जैसा कि सुनील सिंह जो जदयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया था। लेकिन इन सब बातों को लेकर के संजय सिंह के इस मामले पर दिलचस्पी लेने के बाद से बहुत सारी बातें सामने खुल करके आने लगी है। उन संजय सिंह ने तो स्पष्ट कहा है कि मैं अपना मुंह खोल दूं तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। संजय ने ज्ञानू को याद दिलाया कि किस तरह बाढ़ विधानसभा के चुनाव में उन्होंने उनकी मदद ली थी, 10 बार फोन किया था। संजय ने धमकी दी, हम बता देंगे कि ज्ञानू किसकी दी हुई गाड़ी पर सवारी करते हैं, किन लोगों से उपहार लेते हैं, क्या लिया है और किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई बातें हैं कि रांची में किसके यहाँ जाकर के ठहरते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के नवल किशोर यादव ने ज्ञानू पर तीखी टिप्पणी की थी और उन्होंने बताया था कि ज्ञानू के पेट में दर्द हो रहा है, दर्द बढ़ता है तो उल्टी और पुलटी दोनों होने लगता है। इस सारी बातों को लेकर के जिस तरह से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का मामला उलझता नजर आ रहा है, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धरता हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ये विवाद। इन विवादों को लेकर के अब पूरी तरह से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है, वहीं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अलग थलग पड़ते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर के भी कही गई थी, हमने आपको पहले भी खबरों में बताया था कि उनके बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है और कहा है कि कोई भी कुछ बोल देगा तो उसका संज्ञान हम लोग नहीं लेते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये जो झगड़ा है, अंदरूनी कलह है, उसने कई ऐसे राज फांस कर दिए हैं। अभी और राज खुलने का सिलसिला जारी है। बहुत जल्दी हम आपको और कई राज जो खुद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता एक दूसरे की खोल रहे हैं, पोल खोल की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है वो कहाँ तक जाएगी, हम आपसे फिर जुड़ते हैं और बताते हैं कि बिहार की राजनीति और खास करके NDA के घटक दलों के बीच में क्या कुछ हो रहा है और किस तरफ यह राजनीति जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।